थैंक्स यीशु पास्टर मानचंद्र भारती जी। प्रार्थना के लिए संपर्क करें। प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें एक नई उम्मीद दी है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने हमारे जीवन दिया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सभी लोग मिलकर के जो आज परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके जीवन में प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग करता है, उसे आशीष देता है। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, यदि आज आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज आपके घर में आशीष नहीं आती, आपके जीवन में और जो काम करते हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, तो आज आप दुआ करने की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस प्रार्थना को हर एक एक मसीह भाई बहनों तक जो आज सुन रहे हैं, जहां कहीं पर भी आज बैठे हैं, उसके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीज़ों में प्रभु आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि आज हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, हम ये जानते हैं कि आज हमारे जीवन में पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम जो भी प्रचलन में हैं, जो भी चीज़ आज हमें खरीदना है उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो प्रभु आपको धन भी देगा, आपको आशीष भी देगा, आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को भी दूर करेगा, आपके जीवन में हर प्रकार के काम भी सफल होंगे। परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है हर प्रकार के शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के जादू टोने से। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मेरे जितनी मसीह भाई बहन हैं, आज मैं क्या आपसे कहता हूँ प्रार्थना सभा में, ताकि आज आपके जीवन में ब्लेसिंग आपको आशीष आए। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने हमारे प्रेयर सेंटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए से, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो कॉल सेंटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए से संदेश भेजते हैं, अपनी गवाहियों को भेजते हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि उनके जीवन में प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को प्रभु पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से दाऊद ने क्या कहा था, दाऊद बहुत बीमार व्यक्ति था, उसके जीवन में किसी प्रकार के खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसको पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं था उसके तन पर, लेकिन प्रभु ने उसको इतना आशीष दिया, इतनी आशीष दी कि आगे चल कर कि वो बहुत विशाल राजा बनता है, उसके जैसा धनवान, उसके जैसा ताकतवर और कोई राजा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो प्रभु आपके जीवन भी आपको धन देगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में जो पैसे नहीं बचते हैं उसमें प्रभु आपको आशीष देगा। यदि आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं आज जो सामना इस समय कर पा रहे हैं, जो आप देखते हैं कि क्या मेरे जीवन से ये बीमारी जाएगी, क्या ये समस्याएं जाएंगी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं इस बीमारी का इलाज करवा लेता, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उदास रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना ना करें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने मन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के बैठ जाएं, नहीं। हालेलुया, ये आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत गलत है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमें कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखाता है, वो मार्ग बताता है, क्योंकि हम जीवन में हर एक मसीह भाई में आपने अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को आपने अनुभव किया होगा। जब आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख आए या छोटा दुख आता है, तो क्या वो सदैव के लिए आपके जीवन दुख रहता है, नहीं। हो सकता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, इससे ज़्यादा आपके जीवन दुख रुक ही नहीं सकता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, इस समय आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विनती करने की आवश्यकता है, दुआ करने की आवश्यकता है, और आपके जीवन में जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब जो आप करते हैं, जो आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपको रिश्ते की तलाश है, आपके जीवन में सारी समस्याओं का जो सामना है वो आपको शैतान से करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान ही आपके जीवन में वो हर एक चीज़ को रोकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है, दाऊद ने कहा था, धर्मी का थोड़ा से जिस तरीके से माल दुष्टों के लिए, बहुत से धन से क्या है उत्तम है। मेरे प्रियो, यहाँ पे कहने का मतलब है, जो पवित्र वो लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, यदि उसके पास थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा धन है, उसमें यानी जो दुष्ट लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, उसके जो विशाल धन से
कहीं ज्यादा आपका धन है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यदि तुम परमेश्वर की खोज करते हो तो जो संसार की वस्तुएं हैं मैं तुम्हें दूंगा। आज आपको यही विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है। दाऊद ने भी अपने जीवन में यही चीज अपनाया था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर वो सामर्थ्य है जो संसार की सृष्टि को रचने वाला, उद्धार करने वाला और जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा। आपने देखा होगा दाऊद के जीवन में बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारी दौलत होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में होती हैं। उसके जीवन में जब भी वो दुआ करता था, प्रार्थना करता था, विनती करता था, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। तो आज क्यों ना आपके जीवन में क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? सुनेगा। आपको केवल विश्वास रखना और भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दाऊद ने कहा था, क्योंकि लिखा है, यहोवा खरे लोगों की वायु की सुरक्षा करता है, सुधीली करता है और उनका भाग सदैव बना रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो लोग खरे होते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास के द्वारा चलते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, उनके जीवन में परमेश्वर क्या है, सदैव आशीष की वर्षा करता है, सदैव आशीष देता रहता है, उनके जीवन के हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। ये खुदा आज हमारे जीवन के लिए कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि प्रभु के वचन पे आज हमें भरोसा और विश्वास है, तो हमारी हर प्रकार की जीवन में जो घटी और कमी है, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय इस तरीके से 23 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे सुलेमान क्या कहते हैं, यहाँ पे राजा दाऊद का बेटा जो होता है सुलेमान, यहाँ पे कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना अपनी समझ का, जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है, अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। यदि आज हमें धन और दौलत की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आज हमें प्रभु से कहने की आवश्यकता है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और दुआ करना है, ताकि प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें बरकत दे। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, सुलेमान सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति था। पूरे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके सबसे अधिक वो बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास बुद्धि थी, समझ थी, ज्ञान था, क्योंकि पूरे अपने जीवन काल में उसने परमेश्वर से धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, केवल ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगा था। हालेलुया, तो आज हमें यही चीज़ की आवश्यकता है कि आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की मांगने की जरूरत है, और परमेश्वर हमें देगा। तो आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकें। तो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, आज सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रार्थना में उपस्थित है। पिता परमेश्वर, आज उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माओं के लिए, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने जीवन को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियाँ, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकले। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय, अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें, जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हों, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम।
नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हम आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन है आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में, आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड बीपी शुगर अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त। इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके, कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को लोगों को बचाने के पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां समस्याएं हैं जो मेरे मसीह भाई बहन है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं है तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे, आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त। आज्ञा दीजिए अपने अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त। वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।